जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस वोटिंग का बहुत ही अच्छा रहा। मेरे वोटिंग सेंटर में स्टाफ काफी अच्छा था, तो मैंने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचवाई। मेरा नाम मयंक कुमार है, मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का निवासी हूँ और हमारे यहाँ कुछ दिन पहले वोट हुए थे। वोट देने से पहले मैं काफी घबरा रहा था, तो वहाँ के स्टाफ ने मेरी काफी मदद की और उन्होंने बहुत आसानी से यह प्रक्रिया समझाई और वोट देने के बाद मेरे को खुशी महसूस हुई। नमस्कार आहा मित्राणि, मतदाता जंक्शन इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भवतां स्वागतम्। नमस्कारः सर्वेभ्यः। मित्राणि, अद्य वयं देशे प्रचलतः लोकसभा निर्वाचन वैभवस्य अर्थात् ऐषमः सामान्य निर्वाचन परिणामस्य विषये चर्चां कुर्मः, तथा च भारतस्य मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमार महोदयः किं वदति इत्यपि शृण्मः। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल मेनी पुट टुगेदर। ओवर 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस, एंड कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कंडक्ट दोज इलेक्शंस, मोर देन 55 लाख ईवीएम्स, 4 लाख व्हीकल्स, और अब तक हम क्या कर चुके हैं, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है, 16 प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन। मित्राणि, अद्य दूरदर्शनाद् आरभ्य जंगम दूरभाष फलिकेषु विश्वविद्यालय परिसरतः महाविद्यालयस्य भोजनालय पर्यन्तं सर्वत्र प्रत्येकं मतं महत्वपूर्णं। निर्वाचनस्य उत्सवः देशस्य गौरवं, अवश्यमेव मतं कर्तव्यं इत्यादयः घोषा श्रूयन्ते। सत्यं, तथा च तेषां एकमात्रं उद्देश्यं विश्वस्य बृहत्तम लोकतंत्रस्य महति उत्सवे अर्थात लोकसभा सदस्यानां चयनार्थं सामान्य निर्वाचनेषु सर्वेषां मतदातृणां उत्साहवर्धनम् इत्यस्ति। मित्राणि, वस्तुतः भारत निर्वाचनायोगः यथाशक्तिः प्रयतते यत् युवानः मतदातारः मतदानार्थम् आगच्छेयुः। मतदानदिवसः न अवकाशदिवसः अपितु कर्तव्य रूपेण विचारयेयुः, मतदातृत्वेन अद्वितीयम् अनुभवं च आप्नुयुः। आम्, भवान् सम्यक् वदति। युवानः मतदातारः अस्माकं वास्तविकः दैवनिर्मातारः सन्ति। अस्मिन् वर्षे यदि 84 लक्षोत्तरैककोटि युवानः मतदातारः मतदानं कर्तुं दृढनिश्चयेन च मतदानकक्षं प्रति आगच्छन्ति तरही मतदानस्य स्तर स्वयमेव उच्चस्तरं प्राप्स्यति। अतः अस्मिन् संदर्भे अद्य वयं केषाञ्चन यूनां मध्ये गच्छामः, ते देशस्य निर्वाचन वैभवस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। शृण्मः तावत् तेषां चर्चां। बान्धवः, अहं मतदानं कृत्वा गर्वम् अनुभवामि। देशे निर्वाचनानां परिमाणं आश्चर्यजनकमस्ति। अस्मिन् समये प्रायः 97 कोटिः पञ्जीकृत मतदातारः सन्ति। आम् सखिनीति, सप्तचरणेषु देशे सर्वत्र मतदातारः न केवलं लोकसभायाः स्वप्रतिनिधेः निर्वाचनं कुर्वन्ति, अपि तु चतुर्षु राज्येषु विधानसभायाः सदस्यानामपि युगपत निर्वाचनं क्रियते। सत्यमुक्तं प्राची, तथा च अस्य कृते भारतस्य निर्वाचनायोगस्य सज्जता, निर्वाचन प्रबन्धनं सर्वं आश्चर्यजनकमस्ति। ज्ञायते यत् देशे सर्वत्र 10.5 लक्षाधिकानि मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति, येषु प्रायः 1.5 कोटिः मतदानपदाधिकारिणः, सुरक्षाकर्मचारिणः च नियोजिताः सन्ति। सर्वथा तथा भवन्तः जानन्ति किं यत् निर्वाचनप्रक्रियां सुलभां कर्तुं
मतदानं च सुचारुतया पूर्ण सुरक्षया निष्पक्षतया पारदर्शतया च संचालयितुं प्रायः 55,00,000 ईवीएम इत्येषां यंत्राणां उपयोगः क्रियते। भगिनी, यदा एतावती सज्जता एतादृशी सुनियोजिता व्यवस्था च भवति तदा मतदानस्य इच्छा स्वयमेव भवति। भ्रातः, भारतस्य निर्वाचनयोगः केवलं एतेन संतुष्टः नास्ति। एवं वा, ज्ञापयतु यत् ACI निर्वाचन प्रबन्धनस्य विषये अन्यत् किं करोति। अस्मिन् सामान्य निर्वाचने भारतस्य निर्वाचनायोगेन मतदातृणां गृहेषु, कार्यालयेषु च, यंत्रगारेषु, आपणेषु च स्वस्य जागरूकता अभियान नीतमस्ति। सुष्ठु भगिनी, सर्वथा सम्यक् उक्तम् नित्या तथा च मित्राणि, अस्मिन् विषये कथं न भारतस्य निर्वाचन आयुक्तम् SS संधुम शृणुमः। अब जबकि 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, कुल 97 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराया है। इलेक्शन प्रोसेस बहुत सुविधाजनक हो इसलिए करीब 55,00,000 EVM और VVPAT मशीनें लगाकर पूरी सुरक्षा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान कार्य संपन्न कराया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पोलिंग बूथ बनाने से लेकर वहां पीने के पानी की, शौचालय की व्यवस्था, इंतज़ार करने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तथा फर्स्ट एड मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है। रैंप और व्हीलचेयर तथा सुगम चिन्ह के संकेतक सभी तरह के मतदाताओं को मतदान करने में सहायक बनाती हैं। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से ही वोट करने की सुविधा दी गई है। अन्य वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगों के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। जितने युवा मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 21 करोड़ तक है, उनको मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के IT टूल्स और माध्यमों का प्रयोग कर उन्हें प्रेरित तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरी अपील है कि इस समय चल रही लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया में जहां अभी मतदान के फेज बचे हुए हैं, आप सभी मतदाता इस मतदान को पर्व के रूप में मनाएं और अपने वोट देकर भारतीय लोकतंत्र को और जीवंत और जोशपूर्ण बनाएं। अहो भ्रातः, एको अपि मतदाता त्यक्तः न भवेत्। एतदर्थ भारतस्य निर्वाचनायोगस्य प्रत्येकं प्रयासः प्रशंसनीयः। पुनः एकवारं एतेषां मित्राणां च मध्ये गच्छामः। भवन्तः जानन्ति आम् अस्य संसदीय निर्वाचनस्य सन्दर्भे निर्वाचनस्य उत्सवः देशस्य गौरवम् इति विषये एकीकृत वित्तीय दृश्य श्रव्य अभियानस्य उपयोगेन मतदातारः जागरूकः अभवन्। अहो, अतः एव वयं देशे सर्वत्र अस्य उत्सवस्य दृश्यानि पश्यामः। भगिनी, लोकतंत्रस्य अस्मिन् उत्सवे अर्थात् मतदानं कर्तुम् अन्याः नैकाः संस्थाः, वृत्तपत्राणि, दूरदर्शनवाहिन्यः, FM वाहिन्यः, सामाजिकमाध्यमाः च पुनः पुनः आह्वानं कुर्वन्ति। आम्, मतदातृ जागरूकतायै मम इंस्टाग्राम पटले राष्ट्रीय विशेष व्यक्तित्वस्य राजकुमार रावस्य एतत् रील चित्रं पश्यतु। अस्तु भगिनी। डायल करें वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 और चेक करें वोटर्स लिस्ट में अपना नाम, वोटिंग डेट्स और वोटर आईडी की जानकारी। सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरह की इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेन हो तो बेझिझक डायल करें 1950। तो आइए मनाएं चुनाव का पर्व गर्व के साथ। मित्राणी, अस्य वर्षस्य एतत् सामान्य निर्वाचनं नैर्वाचनिक साक्षरताम् अपि नूतनम् आयामं ददाति। विद्यालये, महाविद्यालये च शिक्षायां तस्य समावेशस्य प्रयासाः सफलाः अभवन्। अपि च किं भवान् IPL क्रिकेट क्रीडासु अस्माकं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरं सर्वैः क्रीडकैः क्रिकेट प्रेमिभिः च सह मतदानस्य शपथं गृह्णन्तं न दृष्टवान्?
आम मित्र तेषां उत्साहं दृष्ट्वा अहम् अपि प्रेरणां अवाप्तवान् तथा च अहम् सर्वाणि मित्राणि प्रति अवदम् यत् अस्मिन् समये मया अवश्यमेव मतदानं कर्तव्यं तत्र किमपि व्याजं नास्ति। अहो साधु साधु मित्राणि किं भवन्तः दृष्टवन्तः यत् मतदातारः लघुचलचित्र द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप इति सी विजिल ऐप इति तंत्रांशानां उपयोगस्य विषये कथं सूचिताः भवन्ति। आम प्राची, ईसीआई इत्यस्य प्रयासः नैतिकं पारदर्शकं स्वतंत्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं वर्धयितुं प्रभाविनः दृश्यन्ते। अनेके सामाजिक माध्यम प्रभावकः स्व स्व क्षेत्रेषु मतदातृन केवाईसी ऐप सी विजिल ऐप अनुसरणं कर्तुं मतदान प्रक्रियायां भागं ग्रहीतुं च प्रेरयन्ति। आम भगिनी, अस्मिन् सामान्य निर्वाचने अनेके विभागः संस्थाः च स्वगुणैः भारतस्य निर्वाचन आयोगस्य प्रयत्नान् वर्धितवन्तः। अस्माकं भारतीय प्रैष विभागेन प्रैष चिटिकां निर्माय निर्वाचनस्य महत्त्वं स्पष्टतया प्रकटितम् अस्ति। न केवलम् एतावदेव साहिल, भारतीय वित्तकोश संघः संपूर्णे भारते सर्वासु वित्तकोश शाखासु आगतानां मतदातृणां जागरूकतायै सहायं कृतवान्। अस्तु भगिनी। भारतीय रेलवे संघः दूरस्थ क्षेत्रेषु निर्वाचनानां महत्त्वं प्रेषयितुं रेलवे चिटिकासु मञ्चेषु रेलयानेषु च प्रकाशनं कृत्वा स्वस्य भूमिकां निर्वहन्ति। सर्वथा सत्यम्। इतोपि महान् विषयः अस्ति मतदान कक्षेषु मतदातृभ्यः प्रदीयमानानि सौविध्यानि। अस्तु। जानन्ति, प्रथमवारं बहुतल भवनेषु मतदान कक्षः निर्मितः सन्ति, मतदान केन्द्रेषु परिवर्तितानि, द्वारस्य सोपाने एव मतदानस्य सौविध्यं दीयते। ओहो। अपि च 85 वर्षेभ्यः उपरिष्टानां वरिष्ठ नागरिकाणां कृते 40% अधिकानां दिव्यांग मतदातृणां च कृते गृहेषु एव मतदान केन्द्राणि स्थापयित्वा मतदानं कर्तुं प्रयत्नाः कृताः सन्ति। ग्रीष्मकालं मनसि निध्याय मतदातॄणां सौविध्याय मतदान कक्षेषु पेयजलस्य छायायाः च व्यवस्था कृता अस्ति। अतिशोभनम्। आम्। मतदातृभ्यः प्रदत्ता एता सर्वा सुविधा निर्वाचन योगस्य च प्रयत्नः देशे निर्वाचनस्य महत्त्वं दर्शयति। अतः एव वयं गौरवेण एतत् निर्वाचन महोत्सवम् आचरामः। निर्वाचन महोत्सवः देशस्य गौरवम्। शोभनम्। चलाम तावत्, पर्याप्तं चर्चा जाता। आमाम्। अस्तु, चलामः। एतेषां यूनां वचनानि श्रुत्वा मम हृदयं प्रसन्नं जातम्। यूनां मध्ये निर्वाचनविषये एतादृशी रुचिः जागरूकता च सङ्केतयति यत् निर्वाचनायोगस्य मतदातृजागरूकताभियानं सम्पूर्णे देशे प्रबलमस्ति। आम्, भवान् सम्यक् वदति। अधुना शृणुत यत् भवतां प्रियः गायकः कलाकारः च जावेद अली स्वशैल्या किं वदति। रिकॉर्ड जो बने हुए है सारे तोड़ेंगे, मगर ये वादा है कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे। अपने देश का दिल मत तोड़ना, वोट करना। अगर आप सही वोट करेंगे तो हमारे देश को भी सुर में रखा जा सकता है। आपका वोट देश को सही दिशा में लेकर जा सकता है। सो प्लीज वोट। मित्राणि, अधुना प्रश्नकरणस्य समयः आगतः। स्वस्य उत्तरं स्वस्य पूर्णनाम्ना पत्रावाससङ्केतेन सह अस्मभ्यं प्रेषयन्तु। भवन्तः 99990315050 इति वाट्सप् सङ्ख्यायां स्वस्य उत्तराणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। प्रश्नः अस्ति, ऐषमः लोकसभानिर्वाचनानां कृते पंजीकृत मतदातॄणाम् अनुमानतः संख्या कियती अस्ति? विकल्पानि सन्ति शतकोटिः, नवतिकोटिः, सप्तनवतिकोटिः। तथा च गतप्रकरणस्य विजेत्री अस्ति महाराष्ट्रप्रदेशीया अक्षरा चौहान इत्येषा। सहैव समीचीनमुत्तरमस्ति विकल्पः सी,
7 सेकंड इति। मित्राणि अधुना गमन वेला पुनः मेलिष्यामः। नमस्कारः। मतदाता जंक्शन।